हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फिलिप्स के qt4001 15 ट्रिमर की। तो दोस्तों, नाम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी सारे ट्रिमर्स फिलिप्स के सिमिलर नेम के हैं। तो ये हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं qt4001, जो मेरे हिसाब से इस बजट में सबसे बेस्ट ट्रिमर है डे टू डे लाइफ यूज करने के लिए। तो इस ट्रिमर की सबसे अच्छी बात यह है कि 0 से 10 mm तक का आपको 10 लेंथ सेटिंग्स देता है, यानी कि 1 mm ईच की सेटिंग देता है। तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 10 mm तक की सेटिंग्स के हिसाब से रोल करके आप इस ट्रिमर को यूज कर सकते हैं। ये ट्रिमर काफी स्किन फ्रेंडली है। और दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं एंड में आपको इसके प्राइस से 15% डिस्काउंट पे कैसे खरीदे उसका लिंक आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन उसकी ट्रिक क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसकी एमआरपी वैसे तो 1475 के अराउंड है, लेकिन आप इसको मेरी ट्रिक से 1000 to 1200 की रेंज में खरीद सकते हैं। दोस्तों, इससे ऊपर एक मॉडल आता है जिसका मॉडल नेम है qt4011। तो वो वाला जो ट्रिमर है वो 1900 के अराउंड है, उस पर भी आप 10 to 15% डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर भी 10% डिस्काउंट रहता है ये पूरे साल में, अमेजोन लिंक है वो। तो उसका मॉडल जो है qt4011 है। तो उस मॉडल में क्या है, उस मॉडल में 20 mm तक की सेटिंग्स है, लेकिन उसका बजट भी काफी ज्यादा हाई है। तो इस बजट में ये बेस्ट हेडफोन है, तो इसकी अनबॉक्सिंग देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको पहले इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। तो ये ट्रिमर काफी इजी टू क्लीन है क्योंकि ये इसके जो कंपोनेंट्स है वो वाटरप्रूफ है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसके कंपोनेंट्स वाटरप्रूफ है लेकिन इसकी जो इनर बॉडी है वो वाटरप्रूफ नहीं है। तो वो मैं आगे जब अनबॉक्सिंग करूंगा उसमें समझाऊंगा कि क्या क्या पार्ट वाटरप्रूफ है और क्या क्या नहीं। और ये काफी अच्छा डिजाइन का और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। ये मेरा रोज हाथ से गिरता है लेकिन फिर भी टूटा नहीं अभी तक। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि 2 ईयर वारंटी गारंटी के साथ आता है, जिसको आप 3 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसके अंदर जो वारंटी कार्ड मिलेगा उसको आपको फिलिप्स की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करके 3 ईयर की वारंटी लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं मैं उसकी वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये इसका ट्रिमर है, मैं आपको कुछ खोल के सारे पार्ट दिखा देता हूं। ये इसका चार्जर, ये इसका वारंटी कार्ड और ये सारे इसके कुछ पेपर वर्क वगैरह हैं। तो ये इसके सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये इसकी कॉम्ब है, ये इसकी कॉम्ब, ये इसका चार्जर और ये मेन ट्रिमर जो इसके अंदर बॉक्स के अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, कितना जबरदस्त ट्रिमर है, बहुत ही अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है और अपने बजट में सबसे बेस्ट ट्रिमर है। तो अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं। तो ये देखिए, ये जो बीच का ये जो स्लाइडिंग बटन है, इसको पावर ऑन या ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको इसको ऑन करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं ऊपर की तरफ, तो ये ऑन हो जाएगा और इससे ये ऑफ हो जाएगा। और ये इसकी रोल टेक्निक्स है, मतलब रोल लेंथ है कि 1 mm का अगर आपको चाहिए तो इसको 1 पे रख सकते हैं, तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके 2 पे कर सकते हैं, 3 पे कर सकते हैं, तो इसी तरह आप 10 तक कर सकते हैं। तो देखिए, आप ये कॉम्ब ऊपर आती जा रही है। तो सबसे अच्छी बात इस ट्रिमर की ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये काफी लाइट वेट है। जी हाँ दोस्तों, ये 110 ग्राम्स का है सिर्फ, और बाकी ट्रिमर्स के कंपैरेटिवली ये काफी इजी टू यूज है और स्किन फ्रेंडली भी है। तो अब ये देख लीजिए, ये जो इसकी कॉम होती है डिटैचेबल होती है, ऐसे बाहर निकल आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको इंसर्ट करते हैं धोके या फिर इसको निकालते हैं, तो आप ध्यान से निकालिए क्योंकि अगर एक बार ये टूट गई तो आपकी इसकी पूरी फंक्शनैलिटी फेल हो जाएगी। तो इसको काफी स्मूथली आप निकालिए और इंसर्ट करिए, तो ये ऐसे निकल जाता। और ये इसकी जीरो लेंथ के लिए, आप अगर आपको कभी ट्रिम करना है जीरो लेंथ पे, यानी कि आपको बिल्कुल ही क्लियर करनी है अपनी दाढ़ी वगैरह, तो ये बिल्कुल ही जीरो लेंथ के लिए ये ट्रिमर यूज होता है विदाउट कॉम। तो उसके लिए आप ये पावर ऑन करके सिंपली इसको ट्रिम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको ब्लेड को कैसे निकालेंगे। इसके ब्लेड को निकालने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, आप जो आगे का ब्लेड है इसको पकड़िए और इसको पीछे की तरफ खींच दीजिए, ठीक है। ब्लेड को आगे से पकड़िए और पीछे की तरफ खींच दीजिए, तो ऐसे ब्लेड बाहर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसका सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड है। जी हाँ दोस्तों, इसका एक फीचर है, ये जो ब्लेड चाहिए हमेशा शार्प रहेंगे क्योंकि ये सेल्फ शार्पन करते हैं अपने आप को, ये कभी भी ब्लंट नहीं हो जाते क्योंकि थोड़े टाइम यूज कर करके ये शार्प करते रहते हैं, सेल्फ शार्पनिंग है ये। तो इसको आप वॉश कर सकते हैं, ये वाटर प्रूफ है। कॉम को भी आप वॉश कर सकते हैं, वाटर प्रूफ है। लेकिन ये जो ट्रिमर की इनर बॉडी है इसको आप वॉश नहीं कर सकते, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इस ब्रश का, जो आप इसके इनर जो बाल वगैरह जाते हैं उसको आप निकालने के लिए यूज कर सकते हैं कॉम से। तो ये आप इसको ध्यान से, इसके लिए भी वही चीज है, अगर आप इसको ध्यान से लगाएंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, नहीं तो ये काफी इजिली टूट सकता है। तो इसको ध्यान से इंसर्ट करना, तो वैसे ही आप इसको सेम पोजिशन पे रखेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूं,
ठीक है, ऐसे आपने इंसर्ट कर दिया सेम डायरेक्शन में, और ये कॉम लगा दी, कॉम लेके आपने सिमिलरली बहुत ही आराम से इसको इंसर्ट कर दिया ऐसे। तो ये अब कॉम इंसर्ट हो गई और ये इजीली इजी टू यूज है, और ये आप इसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इसका अच्छा फीचर, जो कि अच्छा भी है और बुरा भी है, आप इसको कॉर्डलेस ही यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉर्डलेस यूज करने के लिए सिर्फ आपको 45 मिनट्स तक का बैकअप देता है, जो कि सभी ट्रिमर्स का सिमिलर ही है। इससे पहले के जितने भी ट्रिमर्स होते थे उनमें 40 मिनट्स 30 मिनट्स का मिलता था, और वो भी 12 12 14 14 घंटे चार्ज करने के बाद। लेकिन इस ट्रिमर को 10 आवर्स चार्ज करने के बाद आप 45 मिनट्स यूज कर सकते हैं विदाउट कॉर्ड, और चार्जर के साथ आप इस ट्रिमर को बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। मतलब इसको आपको पहले चार्ज करना पड़ेगा तभी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए इसके। इधर इसका चार्जिंग पोर्ट है, ये इसका आपका चार्जर है, चार्जर के ये दो पिन्स हैं, इसको आपको इसमें इंसर्ट करना है और चार्जिंग पे लगा देना है। ये इसका चार्जर 10 आवर्स तक चार्ज करता है इस ट्रिमर को, जिसको आप यूज कर सकते हैं एवरेज 40 मिनट्स ले लीजिए, क्योंकि 45 मिनट्स तक चलता नहीं है ये, 40 43 मिनट्स तक ये खत्म हो जाता है बिल्कुल। मैंने इसको फर्स्ट डे चार्ज करके ट्राई किया था तो ये 42 43 मिनट्स तक चला था बस। तो 40 मिनट्स तक की आप एवरेज ले लीजिए इसका चार्ज करने का, तो 10 घंटे चार्ज करने के बाद 40 मिनट्स का एवरेज देता है। लेकिन कई बार आप अगर जल्दबाजी में होते हैं तो आप इसको 1 घंटा चार्ज करके 5 to 10 मिनट्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी से कोई छोटा मोटा ट्रिम करना है तो आप 10 मिनट तक यूज कर सकते हैं इसको 1 घंटा चार्ज करने के बाद। तो ये सब इसके फीचर्स हो गए। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे आपको कम रेट पे बाय करना है 15% डिस्काउंट अवेल करने के लिए। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट अमेजोन की साइट पे ले जाएगा। और मैंने इसको खरीदा था सेल में, अमेजोन की दिवाली सेल आई थी उसमें इसको 15% डिस्काउंट पे। तो आप इसको अगर लिंक पे क्लिक करेंगे तो सालाना इस पे अबाउट 13% डिस्काउंट तो रहता ही रहता है, लेकिन एडिशनल 2 to 5% डिस्काउंट फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप इसका सबसे डिस्काउंटेड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर आप जाके बाय कर सकते हैं इसको। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपको उसका जल्द से जल्द आंसर देने का ट्राई करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टू टेक मंजिल। थैंक यू।